गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, इस कोरोना वायरस के पीरियड में अपना ध्यान भी रख रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो। आज मैं तुम लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स का एक लेक्चर लेके आया हूँ, न्यूमेरिकल्स का एक सेशन लेके आया हूँ। जो हमने जो चैप्टर शुरू किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसका कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक न्यूमेरिकल्स हमने उस दिन किया था, बहुत पहले किया था, लेकिन आज दो तीन चार और न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। चलो शुरू करते, एक क्वेश्चन बनाते, एक क्वेश्चन लिखो पहले। ए 50 केजी गर्ल, ए 50 केजी गर्ल, ए 50 केजी गर्ल वियरिंग हाई हील, वियरिंग High heel balances on a single heel, balances on a single heel, balances on a single heel. The heel is circular with diameter. The heel is circular with diameter one centimeter, with diameter 1 centimeter. What is the pressure exerted? What is the pressure exerted? What is the pressure exerted by the heel on the horizontal? By the heel on the horizontal floor. By the horizontal floor. ये एक क्वेश्चन दिया गया है, एक 50 केजी मास वाला लड़की, हाई हील पहन के लड़की है, तो हील पहनती है, तो 50 केजी वेट मास वाला, नॉट वेट, मास वाला लड़की हाई हील पहन के सिंगल व्हील पे बैलेंस करके खड़ी है, ठीक है। और हील का जो डायमीटर है वो सर्कुलर है, ठीक है। इसका डायमीटर मतलब वो सर्कुलर है, शेप है, और इसका डायमीटर कितना दिया गया है हमको? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी बोला गया है कितना प्रेशर एग्जर्टेड हुआ है हील से फ्लोर के ऊपर, कितना प्रेशर एग्जर्टेड हुआ है, तो चलो उसका सोल्यूशन हम करते हैं, सोल्यूशन हम बनाते हैं। तो पहले हील का डायमीटर दिया गया है d = 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अभी रेडियस क्या हो गया डायमीटर बाय, रेडियस हो गया डायमीटर बाय 2, यानी हो गया 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी हो गया 1/2 × 10⁻²। कभी भी सेंटीमीटर पे सीजीएस पे रख के कभी भी वो न्यूमेरिकल्स मत करना, वरना आंसर कट जाएगा। तो सीजीएस से पहले एसआई पे कन्वर्ट करो। तो 1/2 × सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया, यानी हो गया हमारा 0.5 × 10⁻², यानी हो गया 5 × 10⁻³ मीटर। ये हो गया हमारा रेडियस, 5 × 10⁻³ मीटर, ये हो गया हमारा रेडियस, ठीक है। अभी रेडियस निकल गया, अगर हील का नीचे वाला सिरा अगर सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया कितना रहेगा? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द व्हील पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यानी 5 का वैल्यू हो गया 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25, पाई रख देते, और 10⁻³ का स्क्वायर अगर हम करें तो हो गया 10⁻⁶, इतना मीटर स्क्वायर। समझ में आया? 5 पाई तो रह गया, 5 × 10⁻³ होल स्क्वायर होगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर हो गया 25, पाई रह गया, 10⁻³ का स्क्वायर हो गया 10⁻⁶, इतना मीटर स्क्वायर। अभी एरिया निकल गया, मास दिया गया है, ठीक है, मास ऑफ द लड़की, मास ऑफ द लड़की दिया गया है 50 केजी,
मास ऑफ द लड़की दिया गया है 50 केजी, यानी एम इक्वल्स टू 50 केजी। अभी हील से ग्राउंड के ऊपर प्रेशर दे रहा है, ठीक है, यानी फोर्स भी दे रहा है, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, बॉडी का वेट W इज इक्वल्स टू एम जी, W इज इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। जी का वैल्यू 10 पकड़ लो, तो 50 इंटू 10 यानी हो गया 500 इतना न्यूटन। ये हो गया हमारा फोर्स। तो प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का वैल्यू बिठा देते 5 × 10⁻², 500 मीन्स 500, एरिया का वैल्यू हो गया 5 × 10⁻³। तो 5 कैंसिल चला गया, हो गया 10⁵ इतना पास्कल। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ओ पाई तो रह गया, एरिया का वैल्यू तो पाई रह गया, इनटू पाई, सॉरी नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। पहले फिर से करते, W का वैल्यू तो हमारा 5 × 10⁻² है, और एरिया का वैल्यू मैंने ये R का वैल्यू बिठा दिया, एरिया का वैल्यू है 25 π × 10⁻⁶। ये हुआ हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया। मैंने पहले लेंथ रेडियस का वैल्यू बिठा दिया था, तो एरिया का वैल्यू हमको बिठाना है। ये तो 25 π × 10⁻⁶, तो 5 से 25 कैंसिल गया 1/5, तो हो गया 1/5 और ऊपर उड़ गया 1/5 π, और ऊपर उड़ गया हमारा 10⁻⁶, ऊपर उड़ गया 10⁸। ठीक है, अगर ये तुम लोग कैलकुलेशन करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 6.2 × 10⁶ पास्कल। अगर ये तुम लोग कैलकुलेशन करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 6.2 × 10⁶ पास्कल। ठीक है, चलो फटाफट एक और क्वेश्चन बनाते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। ए वर्टिकल ऑफशोर structure is built to withstand a maximum stress. यानी प्रेशर, स्ट्रेस मीन्स प्रेशर, ये तो हम जानते हैं, स्ट्रेस ऑफ 10 टू द पावर 9 पास्कल। इज द स्ट्रक्चर सुटेबल, अभी क्वेश्चन बोला गया है, is the structure suitable for putting up on top of an oil well, तेल का कुआ, oil well in the ocean,
इन द ओशियन क्वेश्चन मार्क। टेक डेप्थ ऑफ द ओशियन, क्वेश्चन पे दिया गया है टेक डेप्थ ऑफ द ओशियन थ्री किलोमीटर। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन। एक वर्टिकल ऑफशोर, ऑफशोर यानी जिस तेल जिसके होता है ना समुद्र के ऊपर जो बना रहता है प्लेटफॉर्म बना देते हैं, उससे तेल निकालते हैं समुद्र के ऊपर से, ठीक है। एक वर्टिकल ऑफशोर बनाया गया है, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना लग, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना कितना पड़ा है उस ऑफशोर की वजह से 10^9 पास्कल, ठीक है। अब क्वेश्चन हमको पूछा गया है ये स्ट्रक्चर क्या सुटेबल रहेगा, ये स्ट्रक्चर क्या सुटेबल रहेगा अगर इसको तेल की कुएं के ऊपर अगर हम बनाए, ठीक है। डेप्थ ऑफ द ओशियन बोला गया है 3 किलोमीटर। इक्वेशन उतार लो पहले, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अभी देखो प्रेशर कितना दिया गया, स्ट्रेस मींस प्रेशर, तो प्रेशर कितना दिया गया है 10^9 पास्कल, ठीक है। और डेप्थ एच दिया गया है 3 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा अच्छा और मैंने कहा था डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना, अगर दिया नहीं भी हो तो भी तुम लोग याद रखना कितना 10^3 केजी पर मीटर क्यूब। ओके 10^3 केजी पर मीटर क्यूब। अभी न्यू प्रेशर एग्जर्टेड P इज इक्वल्स टू एच रॉ जी, एच का वैल्यू बिठाते हैं, एच का वैल्यू 3 किलोमीटर से मीटर पे ले जाते हैं 10^3, रॉ का वैल्यू 10^3 और जी का वैल्यू 10 पकड़ लो सपोज, ठीक है। तो हो गया 10^3 प्लस 3 6 प्लस 7 यानी हो गया 3 × 10^7 3 × 10^7 इतना पास्कल। पहले मैक्सिमम लोड कितना था देखो, पहले मैक्सिमम लोड कितना था 10^9 पास्कल, अभी हो गया 3 × 10^7 पास्कल यानी कुछ ज्यादा हो गया। पहले था सिंपल 10^9 पास्कल, अभी हो गया 3 × 10^7 पास्कल, ठीक है। पहले था 1 × 10^9 पास्कल या फिर 1 तो नहीं, 1 × अगर 1 दे भी दे नहीं भी दे कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले था 10^9 पास्कल, अभी देखो 3 × 10^7 पास्कल, ठीक है। तो अभी कुछ ज्यादा हुआ कि घटा, अभी कुछ ज्यादा हुआ कि घटा, पहले था 10^9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी हो गया 3 × 10^7 तो 1 2 3 4 5 6 7 तो अभी ज्यादा हुआ कि घटा, अभी कम हुआ, पहले था 10^9 ये बड़ा था, अभी थे 3 × 10^7 ये कम हो गया, मैंने बड़ा कहा था बड़ा नहीं है अभी कम हो गया 3 × 10^7 पास्कल यानी मैक्सिमम लोड के ऊपर ये ऑफशोर हम बना सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोड तो 10^9 है और यहां पे हमने निकाल लिया 3 × 10^7 यानी ये लोड इससे कम है, ये लोड इससे कम है इसी की वजह से हम ये जो वर्टिकल ऑफशोर है वो तेल के कुएं के ऊपर हम बना सकते हैं, ठीक है। Yes, it is suitable. Okay, yes, it is suitable.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, एक क्वेश्चन हम बर्नौलीज़ प्रिंसिपल से भी करते, चलो एक क्वेश्चन बनाते बर्नौलीज़ प्रिंसिपल का। एक क्वेश्चन बनाते हैं बर्नौलीज़ प्रिंसिपल से। इन ए टेस्ट एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन, इन ए टेस्ट एक्सपेरिमेंट इन ए टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन ए मॉडल एरोप्लेन ऑन ए मॉडल एरोप्लेन ऑन ए मॉडल एरोप्लेन इन ए विंड टनल इन ए विंड टनल इन ए विंड टनल द फ्लो ऑफ स्पीड ऑफ अपर एंड लोअर सरफेसेस द फ्लो ऑफ स्पीड ऑफ विंड विंड इन अपर एंड लोअर सरफेसेस अपर एंड लोअर सरफेसेस ऑफ द विंग आर ऑफ द विंग आर 70 meters per second and 63 meters per second What is the lift on the wing? What is the lift? What is the lift of the wing on the wing? What is the lift on the wing? If its area is if its area is 2.5 meters square 2.5 meters square take density of air ये question पे दिया गया है density of air raw air density of air equals to 1.3 kg per meter cube ये क्वेश्चन पे दिया गया है। ये क्वेश्चन आया है बर्नौलीज प्रिंसिपल से, ठीक है। एक एरोप्लेन का विंग का मॉडल बनाया गया है, ठीक है, ऐसे, और इसको एक विंड टनल पे रखा गया है। तो विंड तो ऊपर से भी फ्लो कर रहा है, नीचे से भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। ऊपर का सरफेस का विंड का स्पीड है 70 meters per second और नीचे के सरफेस से विंड का स्पीड है 63 meters per second। अगर इस विंड का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया 2.5 meters square है और अगर एयर का डेंसिटी है 1.3 kg per meter cube तो व्हाट इज द लिफ्ट ऑफ द विंग, यानी ऊपर का प्रेशर, यानी प्रेशर डिफरेंस निकालो P2 - P1 या P1 - P2, ठीक है। तो क्या क्या दिया गया है हमको क्वेश्चन पे, रॉ दिया गया है, रॉ एयर दिया गया है 1.3 kg per meter cube, V1 दिया गया है 70 meters per second, V2 दिया गया है 63 meters per second, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे सिर्फ प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आएगा, क्योंकि ये तो ऊपर नहीं उठ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी अभी नहीं आएगा, ये तो खड़ा है विंड टनल के बीच में, अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अभी उड़ा नहीं है। तो सिर्फ प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ प्रिंसिपल P2 प्लस हाफ इंटू रॉ इंटू V2 square प्लस P/rota प्लस H/rho/gθ, ये हमको नहीं लगेगा, इज इक्वल्स टू P1 प्लस हाफ इंटू रॉ इंटू V1 square, ठीक है। ये दोनों पार्ट हमारा कांस्टेंट है।
तो अभी हमको P2-P1 निकालना है। तो P2-P1 अगर हम इसको हम इस तरह से ले जाए तो हाफ लॉ कॉमन V1² - V2² तो वैल्यू बेटा हाफ लॉ का वैल्यू 1.3 और V1² - V2² यानी 70² - 63² ठीक है। तो अभी कैलकुलेशन करने से कितना निकलेगा P2-P1 का वैल्यू, अगर कैलकुलेशन किया तो P2-P1 इज इक्वल टू हाफ इंटू 1.3। देखो ये स्क्वायर है ना, A² - B² का फॉर्मूला क्या, डायरेक्टली अगर तुम स्क्वायर निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर दो। A² - B² का फॉर्मूला क्या, A+B × A - B बैठा दो, 70 प्लस 63 ठीक है। अगर ये सब तुम लोग कैलकुलेशन करोगे तो P2-P1 का वैल्यू आएगा 605.15, इतना पास्कल आ गया P2-P1। अभी खत्म नहीं हुआ है, लिफ्ट ऑफ द विंग यानी ऊपर उठने के लिए तो एक फोर्स चाहिए, तो फोर्स इक्वल टू हो गया लिफ्ट ऑफ द विंग। नाउ लिफ्ट ऑफ द विंग कितना फोर्स चाहिए होगा अगर ऊपर उठे, लिफ्ट ऑफ द विंग यानी फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया ठीक है। अभी प्रेशर का वैल्यू क्या है 605.15 और एरिया का वैल्यू था शायद 2.5 या 2.5। अगर ये सब तुम कैलकुलेशन करोगे तो रिजल्ट आएगा 1.5 × 10³ न्यूटन, 1.5 × 10³ न्यूटन। ठीक है, उतार लो एक कॉपी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो एक क्वेश्चन करता हूं जो तुम लोगों को मजा आ जाएगा, तुम लोग भी सोचोगे ये क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे होता है। जैसे ही मैं क्वेश्चन रिलेट करूंगा, ये क्वेश्चन अभी जो क्वेश्चन करूंगा ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। देखो लिखो ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्वेश्चन लिखो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द नीडल इज इंसर्टेड इन ए वेन where the gauge pressure is, यानी needle का pressure, gauge pressure means needle का pressure, where the gauge pressure is 2000 Pascal, okay, at what height must the blood container must the
ब्लड कंटेनर मस्ट द ब्लड कंटेनर बी प्लेस्ड सो दैट ब्लड में जस्ट एंटर द वेन सो दैट ब्लड में जस्ट एंटर द वेन। ठीक है, डॉक्टर बनोगे तुम लोग, यानी डॉक्टर ब्लड का नीडल से ऐसे वेन में नीडल वेन के अंदर डाला है। ठीक है, तो नीडल का सामने का जो प्रेशर है, ब्लड तो जाएगा वेन के अंदर, नीडल का सामने का जो प्रेशर है उस प्रेशर का वैल्यू दे दिया गया है 2000 पास्कल। अभी हमको पूछा गया है ये जो बोतल है, ब्लड का जो बोतल है उसको कितना हाइट पे रखना पड़ेगा जो कि ब्लड पूरा वेन के अंदर जा सके। ठीक है, मैंने कहा था ये क्वेश्चन तुम लोगों को करके मजा आएगा क्योंकि ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। चलो, तो बायोलॉजी का टीचर को भी तुम बोल सकते हो कि फिजिक्स के सर ने भी आज हमको बायोलॉजी कराया था। तो गॉज प्रेशर यानी प्रेशर का वैल्यू दे दिया गया है, नीडल का जो प्रेशर है उसका वैल्यू दे दिया गया है 2000 पास्कल। ठीक है, और अच्छा ब्लड का डेंसिटी दे दिया गया है, रॉ ब्लड का डेंसिटी दे दिया गया है क्वेश्चन पे 1.06 × 10⁻³, 1.06 × 10⁻³ kg/m³। ये क्वेश्चन पे दे दिया गया है, तो P दे दिया गया है, रॉ भी दे दिया गया है 1.06 × 10⁻³ kg/m³। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, P = H ρg, बिठा दो P = H ρg, यहां से हमको H निकालना है, H = हो गया P/ρg, सारे वैल्यू बिठाओ 2000 यानी 2 × 10³। ठीक है, रो का वैल्यू 1.06 × 10³ और जी का वैल्यू 10 पकड़ लो। ठीक है, जी का वैल्यू 10 पकड़ लो, सारे वैल्यू अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो अप्रोक्सीमेटली हाइट रहेगा 0.2 मीटर, अप्रोक्सीमेट हाइट रहेगा 0.2 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर, आज का न्यूमेरिकल्स का लेक्चर हम यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम सरफेस टेंशन जो हमने शुरू किया था, सरफेस टेंशन का फर्दर उस तरफ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।